This conference will now be recorded. Hi everyone, my name is Sangram Singh and I welcome you all on behalf of SAGI 2K5 online coaching classes known as Moneylogy. Aaj main aapke samne ek bahut hi behtareen indicator pesh karne wala hu, ek aisa indicator jo aapko is market mein bahut behtareen profit dega, mind blowing profit dega aur aapko छोटे मोटे जो मार्केट में करेक्शंस होते रहते हैं उनसे बचाएगा भी आपको, मतलब कोई फॉल्स सिग्नल हो तो वहां से आपको बचा लेगा और आपको एक बेहतरीन रिटर्न देने की कोशिश करेगा। ये जो इंडिकेटर है इसका जो मेरे पास रिक्वेस्ट कुछ समय से आया हुआ था, हमारे एक स्टूडेंट हैं, तो बोलने को स्टूडेंट हैं क्योंकि उन्होंने हमारे पास से कोर्स किया है, लेकिन एक्चुअली मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, मुझसे उम्र में बड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। उनका नाम है देवेंद्र पाल सिंह जी, पेशे से एडवोकेट हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मैं इस इंडिकेटर के बारे में उनको बताऊं और सबको बताऊं, अपने ग्रुप को बताऊं। तो मैंने सोचा कि सिर्फ अपने ग्रुप को ही क्यों बताऊं, क्यों ना मैं इस चीज को यूट्यूब पे पेश करूं ताकि जो बाहर के लोग हैं उनको भी थोड़ी सी समझ आ जाए कि एक्चुअली इंडिकेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते मैं फटाफट इंडिकेटर पे आता हूं। इस इंडिकेटर का नाम है प्रिंग्स नो श्योर थिंग। ओके, प्रिंग्स नो श्योर थिंग। एक बार जरा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, नो श्योर थिंग्स, इसको शॉर्ट में KST भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डेवलप किया था मार्टिन प्रिंग ने। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो आपको चार डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर कैलकुलेशंस देता है, चार डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को मिला के कैलकुलेशन देता है। तो इसलिए इसके कैलकुलेशन जो है ज्यादा सटीक होते हैं, ज्यादा बेहतरीन होते हैं। तो इसको 1992 में मार्टिन प्रिंग साहब ने एक आर्टिकल था उसके अंदर Summed Rate of Change, KST, Stock and Commodity Magazine के अंदर जो आर्टिकल था उसमें इन्होंने इसको डाला था। ये जो KST होता है, it measures price momentum of four different price cycle, combining them into a single oscillator, जो यहाँ लिखा है मैं पढ़ के बता रहा हूँ और उसके बाद फिर आपको आगे बताऊंगा। Like any other unbound momentum oscillator, इसके अंदर जैसे बाकी सारे oscillators होते हैं वैसे ही ये काम करता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा, जो लोग को इंडिकेटर्स आते हैं तो उनको लगेगा कि शायद ये नॉर्मल इंडिकेटर है, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा अलग इंडिकेटर है। मैं आपको जरा एक बार इसके अंदर एक और चीज दिखा दूं कि ये कौन कौन से कैलकुलेशंस में कौन कौन से चीज को लेता है। आप देखिए ये जो है ये 10 पीरियड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले एरिया में जो मैं दिखा रहा हूं, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, ठीक है, ये वाला एरिया मैं इसको अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये जो है ये आपको 10 पीरियड का SMA जो होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, और 10 पीरियड का जो रेट ऑफ चेंज है उसको लेके पहला इसका साइकिल बनता है। दूसरा साइकिल जो ये कैलकुलेट करता है वो करता है 10 पीरियड ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज का ऑफ 15 पीरियड रेट ऑफ चेंज के हिसाब से। तीसरा जो है वो 10 पीरियड ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड रेट ऑफ चेंज के हिसाब से, 15 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 30 पीरियड रेट ऑफ चेंज के हिसाब से। तो ये चार साइकिल को ये मिलाता है, अलग अलग पैरामीटर्स को मिला के ये एक सिग्नल क्रिएट करता है। ये कैलकुलेशंस क्या है, कैसे है, हमको इन सब बखेड़ों में फंसने की जरूरत नहीं है, बस हमको इसको यूज कैसे करना है बस वो मैं आपको समझाता हूं, आप इसको देखें। ठीक है, समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूं। चार्ट जो है मैं, आप समझिए कि इकोनॉमिक्स टाइम्स को यूज कर लेता हूं, क्योंकि नॉर्मली लोग जो चार्ट दिखाते हैं, जैसे किसी ने MT4 का चार्ट दिखाया या शेर खान का ट्रेड टाइगर का चार्ट दिखाते हैं, कोई लोग आपको जीरोधा का काइट दिखाते हैं, कोई SAS ऑनलाइन का अल्फा ट्रेडर्स दिखाते हैं, किसी किसी में इंडिकेटर होता है, किसी किसी में नहीं होता है,
तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं सर मेरे में नहीं है तो मैं कहाँ देखूँ क्या करूँ। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इकोनॉमिक्स टाइम्स में जाएं, ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, आप यहाँ जाएं और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसा कीजिए। ये देखिए यहाँ पे मार्केट्स बोल के लिखा है लेफ्ट साइड में, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहां पे आप क्लिक कर दें। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया मार्केट्स में। उसके बाद अभी आप देखें सेंटर में यहाँ पे टेक्निकल्स दिखाई पड़ रहा होगा आपको, आप यहाँ पे फिर एक बार क्लिक कर दें और यहाँ पे टेक्निकल चार्ट आ रहा है, इसे आप एक बार क्लिक कर दें। आपके सामने अभी एक पेज ओपन होगा। जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए इसलिए बता रहा हूँ, जिनको पता है, जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है कि आप इकोनॉमिक्स टाइम्स में कैसे देख सकते हैं। अच्छा ये मेरा सेव सेव पेज है, तो मैं आपको एक फ्रेश पेज में लेके चलता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। चलिए तो मैंने एक नया पेज इसमें ओपन किया है और मैं यहाँ पे एक स्टॉक ले लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे HDFC बैंक को ले लेता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं HDFC बैंक को यहाँ पे ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने चार्ट HDFC बैंक का लगा लिया है, कैंडलस्टिक चार्ट है HDFC बैंक के। अब हमको इसमें क्या करना है कि अब हमको ये इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए राइट साइड में स्टडीज बोल के दिखाई पड़ रहा होगा, स्टडीज, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने स्टडीज पे क्लिक कर दिया। स्टडीज पे क्लिक करने के बाद मुझे बहुत सारे इंडिकेटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस इंडिकेटर्स में प्रिंग्स नो श्योर थिंग नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है इसमें लिखा है डोंट सी योर स्टडी बिलो टाइप इन योर सर्च हियर, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रिंग्स। आप देखिए और यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रिंग्स स्पेशल के और यहाँ लिखा है प्रिंग्स नो श्योर थिंग, तो मैं नो श्योर थिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो एक ये देखिए डायलॉग बार आया है सामने, तो ये आपको 10 डेज 15 डेज के पीरियड्स के बारे में दिखा रहा है। आप इसको बिल्कुल ना छेड़ें और कलर कोड दिखा के रखा है रेड ग्रीन और रेड, तो इसको भी कुछ ना करें, सिर्फ क्रिएट पे आप क्लिक कर दें। ये देखिए मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है, ठीक है मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है। अभी ये इंडिकेटर कुछ दोस्तों को मेरे ख्याल से MACD जैसा दिख रहा होगा, कुछ लोगों को ट्रिक्स जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो हाँ दिख तो रहा है लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है, तो इसलिए जहां कहीं जाइएगा नहीं, इसमें कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है, तो इसमें कुछ चेंजेस हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके MACD ट्रिक्स के अंदर 0 का लेवल होता है, सेम वे देखिए 0 का लेवल, जैसे ये इंडिकेटर यहाँ पे आप 50, 25, -25, 50 देख रहे हैं, ये क्योंकि एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, तो आप समझ सकते हैं ऑसिलेटर का मतलब होता है जो ऊपर नीचे करता रहता है एक ही दायरे के अंदर। जैसे आपका पेंडुलम होता है, घड़ी के पेंडुलम होते हैं जो पहले जमाने में होते थे, ठीक है, तो पेंडुलम में एक ऊपर जाएगा फिर स्विंग करके नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये 0 से लेके 100 के बीच में घूमता रहता है, ये ऑसिलेट करता है 0 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। ये इसके ऑसिलेट करने का, सॉरी 0 से 100 का इसका ऑसिलेशन है और नीचे की तरफ 0 से -100 का इसका ऑसिलेशन है, ठीक है, ऊपर 100 तक और नीचे भी 100, -100 तक। ये देखें यहाँ पे 0 का लेवल है, ऊपर 25-50 है और नीचे -25-50 है, अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे जहां पे मैंने हाईलाइट किया है वहां पे। अच्छा 0 के ऊपर, जब 0 के ऊपर ये दोनों लाइन, ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं रेड कलर की और ग्रीन कलर की, ये दोनों 0 के ऊपर रहते हैं, तो ये कहने का मतलब है कि ये अप ट्रेंड के अंदर है, स्टॉक जो है इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ का है, तो ये एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड है। और अगर ये 0 के नीचे चला जाता है, जब ये लाइन दोनों लाइनें 0 के नीचे चली जाती हैं, तो आप इसको डाउन ट्रेंड में काम करते हो, ट्रेंड जो बात हो रही है ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर है, मैं बाई और सेल सिग्नल की बात नहीं कर रहा। अब बाई और सेल सिग्नल कैसे आता है, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। बाई कैसे आएगा, देखिए बाई कब आएगा, जब आपका ये ग्रीन वाला लाइन जो है, ग्रीन वाला लाइन ये देखिए रेड वाले को
कट करके ऊपर आता है। तो देखिए ये आपका एक, ये आप देखिए ये बाई सिग्नल है, अगर आप देख पा रहे हैं ये आपका एक बाई सिग्नल है, यानी कि इसके ऊपर देखें यहां पे ये आपको बोल रहा है भैया यहां से आप स्टॉक के अंदर पोजीशन ले लें, आप स्टॉक के अंदर पोजीशन ले लें। और ये देखिए ये आपका सेल सिग्नल है, ये जो रेड लाइन जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट लेती है तो इसको सेल सिग्नल बोलते हैं, ये हम सबको पता है ठीक है, अगर जो लोग एमएसईडी जानते हैं ट्रिक्स जानते हैं ये पता है, लेकिन इसकी जो खासियत है अब वो यहाँ शुरू होती है, यहाँ तक तो सबको पता है लेकिन इसकी जो खासियत है वो सर यहाँ शुरू होती है। तो जरा ध्यान दें ये क्योंकि थोड़ा सा अलग है उनसे तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मैं क्या करता हूं, थोड़ा पीछे चला जाता हूं, थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, आप देखें थोड़ा सा पीछे चला गया हूं। अच्छा मैं इसको समझाने के लिए देखिए आप इसको यहां देखें, ये देखिएगा यहां पे लेफ्ट साइड में देखिएगा ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस एरिया में, ये ग्रीन लाइन जो है इसके ऊपर चला जाता है, रेड लाइन के ऊपर चला जाता है। तो जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को कट करके ऊपर आएगा तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक बाई कॉल है, तो आप यहां पे बाई कर लें। ये देखिए तो मैं यहां पे एक बाई का सिग्नल लगा देता हूं इसके अंदर, ये देखिए इस एरिया पे ये आपको बाई करने को बोल रहा है, तो मैंने इस वाले कैंडल पे अगले दिन मैंने बाई कर लिया, ये जो ग्रीन वाला कैंडल दिख रहा है इसके अगले दिन शायद मैं बाई कर लेता हूँ ठीक है। और जरा हम इसके प्राइस को नोट कर लेते हैं, इसका प्राइस क्या बनता है आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका प्राइस है इस कैंडल के हिसाब से 1893 का, 1893 का क्लोजिंग है, तो हम समझिए कि वहीं पे इसको बाई कर लेते हैं ठीक है। तो मैंने इसको बाई कर लिया है 1893 पे, इस जगह पे मैंने इसको बाई किया है और मेरे को यहाँ पे एक बाई कॉल मिला था। अच्छा जब मैं बाई करूंगा ठीक है, तो आपको इसमें जो चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि अप ट्रेंड में जा रहा है, जीरो लाइन के ऊपर अगर जीरो सिग्नल के, ये जो लाइन है जीरो की राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो इसके ऊपर है दोनों लाइन, तो ये अप ट्रेंड में है। तो आप कब तक नहीं बेचोगे मैं आपको बताता हूं, आपको ये जब रेड लाइन को क्रॉस करता है तब नहीं बेचना है, ये इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि रेड लाइन क्रॉस कर दिया अप ट्रेंड में तो आपको बेचना है, ये करेक्शन दिखा रहा है, ये आपको बेचने का सिग्नल नहीं दिखा रहा है। कब बेचोगे, जब इसका प्रीवियस लो, आप देखें इसका प्रीवियस लो किधर है, जहां पे आपने बाई किया इसका प्रीवियस लो किधर है, इसका प्रीवियस लो क्योंकि दोनों सेम है तो ये हो गया इसका प्रीवियस लो, ये देखिए ये इसका प्रीवियस लो है, जब तक ये प्रीवियस लो नहीं कटेगा आपको स्टॉक से बाहर नहीं निकलना है, आप स्टॉक से बाहर ना जाएं। आप देखें मतलब मैंने इधर बाई कर लिया, इस जगह पे मैंने बाई किया है और ये मेरा जो है ये इस एरिया में मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है और मैंने बाई कर लिया है ठीक है। अब जरा इसको हम और आगे देखते हैं, ये देखिए यहां पे इसने एक कट किया, यहां पे इस एरिया में कट किया ठीक है, लेकिन आपको बेचना नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तक आपका लो जो है ये वाला लो कटता नहीं है। अब इसके बाद फिर आप देखें बाई ऑप्शन कब आया, इसके बाद ये देखें यहां पे आपका एक बाई ऑप्शन आता है, यहां पे मतलब करीब करीब इस एरिया में इसने आपको बाई करने को कह दिया, अगर आपने मान लिया पहले नहीं खरीदा है तो जिसने पहले खरीदा है वो खरीद के होल्ड कर रहा है, जो नया आदमी है वो अगर खरीद रहा है तो वो यहां के करीब करीब खरीदेगा, इस कैंडल के करीब करीब खरीदेगा। अब जब वो इस कैंडल के करीब करीब खरीद रहा है तो आपका प्रीवियस लो जो है, जो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है वो ये हो गया, ये देखिए ये आपका प्रीवियस लो हो गया, ये आपका प्रीवियस लो हो गया, और जिसने पहले खरीदा हुआ है
उसका स्टॉप लॉस जो यहां पे था, ये देखिए यहां पे था, अब वो घूम के यहां पे आ जाता है। आप समझ रहे हैं? जो पहले खरीदे थे, जिन्होंने यहां पे खरीदा था इस जगह पे, अब उनका स्टॉप लॉस घूम के यहां पे आ गया, जो पहले इधर हुआ करता था, अब उन्होंने यहां लगा लिया। अब आपका स्टॉप लॉस ये हो गया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको जरा और आगे देखते हैं। अब ये यहां से गया, यहां इसने कट किया, ये देखिए ये कट किया, यानी कि ये वाले एरिया पे कट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे इसने फिर एक बाई सिग्नल दिया है 0 लाइन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे एक बाई सिग्नल दिया है। अब आपका जिसने यहाँ पे बाई किया, उसका स्टॉप लॉस ये वाला एरिया है, जो प्रीवियस स्विंग लो है, जो यहाँ पे कट किया था, वो आपका स्विंग लो ये हो गया। तो अब जिसने पहले खरीदा था, याद रखें, उनका जो स्टॉप लॉस यहाँ हो रहा था, अब वो घूम के यहाँ आ गया। तो आप देखिए, आप ऑलरेडी कितने प्रॉफिट पे चल रहे हो, लेकिन जिसने अभी यहां खरीदा है उसका स्टॉप लॉस यहां पे आ गया। अब देखें, फिर इसने यहां पे इसको कट कर दिया, ये कट हो गया यहां पे, और एक बाई कॉल आपको यहां पे मिल रहा है। देखिए ये बाई कॉल आपको यहां पे इस एरिया में आपको एक बाई कॉल आया, यानी कि आप यहां से स्टॉक के अंदर, यहां से आप बाई कर लोगे स्टॉक के अंदर, और यहां से अगर आप बाई करोगे तो प्रीवियस स्विंग लो आपका ये है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप देखें, जिसने अभी खरीदा है उसका स्टॉप लॉस ये है, और जिसने पहले खरीदा है वो बेच नहीं रहा है, उसका सिर्फ स्टॉप लॉस चेंज हो रहा है। अब वो यहां तक पहुंच गया, ठीक है, अब वो यहां तक पहुंच गया है। जब तक ये नहीं कटेगा तब तक आपको स्टॉक के अंदर बना रहना है। अब मैं क्या करता हूं, जरा आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैं स्क्रीन को और आगे लेके जाऊंगा, तो मैं जरा यहां पे आपको दिखा देता हूं कि आपने कहां से खरीदा था और अभी आपको कहां तक का प्रॉफिट हो चुका है। ये देखिए, आपने 1893 के करीब करीब स्टॉक को खरीदा था, 1893 के करीब करीब स्टॉक को खरीदा था, और अब इसका स्टॉप लॉस होते 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 हम पहुंच गए हैं, इसका स्टॉप लॉस जो है 1893 पे खरीदा था, और अभी हमारा जो स्टॉप लॉस आ गया है वो 2009 का स्टॉप लॉस आ चुका है। ठीक है, 2009 का स्टॉप लॉस आ चुका है। तो मैं जरा इसको फ्रेश डिलीट करता हूं और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। ये देखिए आगे जा रहा हूं मैं, और अब जरा मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका स्टॉप लॉस है, अगर आपने यहां पे खरीदा हुआ है तो, जिस इंसान ने यहां पे खरीदा है उसका स्टॉप लॉस यहां पे है। अब उसके बाद आप देखें कि इसने आपको ये देखे यहां पे कट कर दिया, ये यहां पे इसने कट कर दिया, मतलब इस वाले लेवल पे इसने कट कर दिया। अगर आप देख पा रहे हो तो इस वाले लेवल पे ये कटिंग होता है, यहां कट हो गया इस वाले लेवल पे, और उसके बाद, तो कहने का मतलब अब आपका जो स्टॉप लॉस है, अब उसको उठा के आप यहां पे ले आए, यहां पे अपना स्टॉप लॉस ले आए घुमा के, यहां पे इसने कट किया है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है, ये वाला जो एरिया है पहले आपका यहां था, यहां कट किया, आप यहां भी स्टॉप लॉस ला सकते हैं अगर आप लाना चाहें तो, या यहां भी कर सकते हैं। तो जब तक आपका स्टॉप लॉस कट नहीं होता, देखिए अगर आपने यहां लिया है तो आपका स्टॉप लॉस यहां कट हो गया, अगर आपने यहां लिया तो आपका स्टॉप लॉस यहां कट होता, जहां भी आप कट करना चाहते आपका स्टॉप लॉस कट होता है। और आप अगर मान लो आप इस एरिया पे अगर आप निकलते हो, तो मैं आपको जरा प्राइस बता देता हूं कि आप कहाँ निकलते हैं। देखिए आप निकले 2156 के लेवल पे, आप स्टॉक से बाहर हो जाते हो। ठीक है, 1800 के लेवल पे आपने लिया था अगर आपको याद हो, और आप इतना निकल गए, कितना बेहतरीन प्रॉफिट देता है ये आपको, आपका जो हमारा ये जो इंडिकेटर है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये बाकी इंडिकेटर से थोड़ा दूसरा है, आपको इसी हिसाब से काम करना। और अगर 0 के नीचे जा रहा है तो ये आपको सेलिंग का पोजीशन दिखाता है, उसमें भी जैसा मैंने आपको ऐसे ये ऊपर दिखाया, सेम वही चीज अपोजिट तरीके से नीचे काम करेगी। लेकिन क्योंकि हम लोग पोजिशनल ट्रेड के अंदर सेलिंग पोजिशन नहीं रख सकते हैं, तो आपको मैं वो नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक बाई कॉल दिखा रहा हूं, जो आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है, इसको आप इस तरीके से यूज करें अपने चार्ट्स के अंदर और इससे प्रॉफिट कमाएं।
क्योंकि ये मोमेंटम ऑसिलेटर है, अगर आप इसको किसी और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर के साथ अगर जोड़ेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा आपको एक्यूरेसी मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जीरो के ऊपर आपको मालूम पड़ता है कि अप ट्रेंड है, तो अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हो तो भी आप इसको अच्छे से इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इंडिकेटर समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। जितने को टेक्निकल एनालिसिस आते हैं उनको ये आसानी से समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आते हैं तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, किसी काम का लगा हो, तो आप इसको जरूर लाइक करें ताकि बाकी लोग भी इसको सीखें, क्योंकि जो आप लाइक करते हो तो बाकी लोग को देखते हैं और उनको लगता है कि यहाँ इस चीज को लाइक किया गया है, तो वो भी उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, कुछ भी सवाल रहता है इसके रिलेटेड तो आप इसके कमेंट में जरूर डाल दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालें, ताकि मैं हो सके तो इस पे वापस से कोई दूसरा वीडियो बना के पार्ट टू करके आपका वो जो क्वेश्चन है वो इसमें क्लियर करने की कोशिश करूं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।